भाई दिल्ली कैंट कभी भी बदल नहीं सकता। दिल्ली कैंट के किस कोने पे है हमें समझ नहीं आ रहा। जो छोले वाली स्टोरी मैं बता रहा था ना आप लोगों को, वो ढूंढते हुए हम आए और हमें एक अलग ही जगह पे ये रोड ले आई है। भाई यार दिल्ली कैंट अगर वहां पे खत्म हो जाता है वॉर सेमेट्री के बाद तो ये कहां ले जा रहा है रास्ता। दिनेश सोच के देख एक बार भाई, उस दिन की तरह भटक गए हैं और अंधेरा बढ़ता जा रहा है आगे से आगे। ये ऐसा ही तो नहीं था वो डार्कनेस वाला, उस दिन भी ऐसा ही हुआ था और टाइम नहीं, वो रास्ता नहीं दिख रहा। टाइम देख, फिर सुबह हो गए 2:30 बज गए 2:28 AM। इन घरों में कोई नहीं रहता है और इधर डार्कनेस है। देख क्या करें, इधर चले। भाई समझ नहीं आ रहा कुछ, ये वो रोड तो नहीं लग रही मुझे। और एक और चीज देखी सर, यहाँ पे पहले नहीं थे जब हम आए थे, अभी यहाँ पे कई जगह मोशन सेंसर लाइट वर्क कर रखी है। वो उसी वजह से तो नहीं कर रखी गई कि स्पिरिट्स घूमती हैं यहाँ पे। रुको भाई एक बार ना अच्छे से दिखा देता हूँ मैं। ये देखो माहौल यहाँ का, आवाज सुनो बाहर, अच्छी खासी सोसाइटी है यहाँ पे आर्मी वालों की, लेकिन आवाज देखो ऐसे फील आ रहा है जैसे वीरान है बिल्कुल, और कोई भी नहीं दिखेगा आपको। और हम पता है क्यों आए थे, हम वो चिता वाला रास्ता ढूंढने आए थे लेकिन हम उस तक पहुंच ही नहीं पाए। भाई ये थी क्या? नहीं यार है? फिर से भटक रहे हैं। भटक गए हम, वो चिता वाला रास्ता भी नहीं मिल रहा ना, वो जगह मिल रही जहाँ पर रात को 2:30 बजे वो लड़का छोले लेके मिला था और फिर गायब हो गया था। भाई कैमरा एकदम से बंद हो गया, जैसे ही मैंने एक साइड पर टर्न करा ना कैमरा ऑफ। मतलब हो सकता है उस तरफ हो, लेकिन आज हमें ना वो जगह ढूंढने आए हैं जो डार्कनेस की तरफ, और वो छोले वाला बंदा भाई अभी तक तो हमें कोई नहीं दिखा। काफी देर से हम घूम रहे हैं दिल्ली कैंट के रास्ते पे, एक बार उस पे लेके देखे सीधा ले। ये था भाई दिनेश, अब याद आ गया मुझे भाई यही था। हाँ ऐसे संकरा रास्ता था। ये क्या पड़ा है रोड पे, मतलब रास्ता रोकने वाले रास्ता सीन है। हाँ। कोई बात नहीं भाई, रोक लो हमारा रास्ता, हम नहीं रुकेंगे। हैं ये पहले नहीं था नहीं। ये गाय भी देखो कितनी अजीब है, सीन देखो ना कैसे मोड़ रखे हैं। आवाज सुनी? यार यही थी वो दिनेश, यही रोड थी भाई, इधर ही शायद चिता थी। अब है ना कई लोगों की ये कमेंट थी, यही थी भाई है, यहाँ थे ना तीन चिताएं जली हुई थी। नहीं कुछ तो था यहीं पे, ऐसे ही घर थे साइड में। हाँ। और इधर सामने, लेकिन आज तो ऐसा नहीं लग रहा मुझे कुछ भी। लग रहा तुझे? यहीं कहीं पे शायद उसी रोड या आगे थी। देख आगे भी लाइट जल रही है, आज उस दिन अंधेरा था बिल्कुल। देखो भाई हम जा तो रहे हैं लेकिन है ना सिचुएशन हमें रोक रही है। देखो कभी गाय रोक रही है, कभी पत्थर रोक रहे हैं, पीछे बिल्ली भी रास्ता काट गई थी। हाँ काली थी वो बिल्कुल, मतलब काली बिल्ली को भी छोड़ के आए हम पीछे। आगे एक लाइट दिख रही है, पता नहीं वो हमें खींच रही है या क्या है। कहीं कुत्तों ने भी भौंकना स्टार्ट कर दिया, कह रहे हैं कोई जाता नहीं है यहाँ पे, हैं हम जा रहे हैं सिर्फ। इतने कुत्ते तो तब भी नहीं थे।
वाली है, यागी क्या है, ये ऐसे फेंसिंग क्यों करी हुई है, इस रोड पे हम आए हैं, ये रास्ते में तो चढ़ गए थे हम आगे है जहाँ पे गाड़ी बंद हुई थी। हाँ गाड़ी यहीं बंद हुई थी इस तरफ पे वहीं पे, लेकिन आज तो पूरी लाइटें जली हुई और ये हो सकता है हमारे आने से ही जली हो लाइट। और ये क्या है, लेकिन गायों ने रास्ता रोक रखा है। भाई मतलब ये हो सकता है हमारी सेफ्टी के लिए भी हो, शायद इंडिकेशन है, है ना। क्या करें अभी, चले आगे? आगे इधर तो जा नहीं सकते, कुछ बोला ना अभी, कुछ आवाज आई ना पीछे से, आगे तो भाई जाने नहीं दे रही। हिली हिली कितनी गाय है भाई, ओ भाई, और आगे भी है, देख अंधेरे में दिख नहीं रही, आगे भी है, देख अंधेरे में चमक रही है, एक दो तीन चार भाई, ये कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं लग रहा मुझे, मेरे ख्याल से हमें बैक ले लेना चाहिए। सुनो अपनी साइड पिलर देख के सो, खड्डा भी लगा मुझे यहाँ पे, ये देखो, लेकिन अब नहीं दिख रही, हो गए आगे वाली, वो भाई अभी छे अभी पांच काउंट करी थी, अभी एक दो पांच तो यही करी थी, आगे भी तो थी, सात हो गई, नहीं नहीं आगे भी कितनी सारी बैठी थी, लेकिन अब नहीं है एक भी आगे वाली, भाई दिल्ली का इंटरना सही में, आगे वाली गायब होकर यहाँ पर सात हो गई, दिल्ली का इंटर नहीं समझ सकते भाई कोई भी है भाई, दिल्ली का इंटर समझ के बाहर, वो गायब उठ गई है, ये देखिए कि यहाँ बैठी है, वो एक अंदर बैठी है, वो बैठे अंदर, दिल्ली का इंटर समझ के बाहर है भाई, वो गया सामने, गाय दिख रही है, गाय है क्यों, ये तो कुत्ते हैं, आगे गाय है, आगे क्या है, गाय है सर, वो कोई लड़का, लड़का है भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या है वो सामने, वही वॉक कर रहा है, वो वॉक कर रहा है, उसके साथ में कुछ चल रहा है, उसके साथ कोई छोटा सा भी है, रुक ज़ूम करने दे मेरे को, दिख रहा है, दिख रहा है भाई कैमरे में, दो जने को, एक बड़ा एक छोटा है, एक वाइट वाइट चीज भी दी है सामने से, लेफ्ट टू राइट, हाँ वो दो जो चल रहे हैं दिख रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है क्या सीन है, वो देख सामने दिख रहा है भाई बिल्कुल, वो देख चल रहा है, और वो बड़ा कैसे हो रहा है, लंबा कैसे हो रहा है, राइट लेफ्ट वाला ना, हाँ जो सेंटर में दिख रहा है लाइट के बीच में, जब कुत्ते भी भाग गए वहां से, वो बड़ा हो रहा है भाई, वो देख, अबे देख और बड़ा हो रहा है भाई, कैमरे में आ रहा होगा, आ रहा है भाई, क्लियर आ रहा है, देखिए चल रहा है सामने, ये छोले वाला ही क्या भाई, मेरे को भी उस लड़के की आ रही है, देख काला हो गया, देख अब देख कलर चेंज हो रहा है भाई इसका, हैं कैसी नहीं, ये अब गाय जैसा क्यों लग रहा है, ये देख, और ये साथ में एक बच्चा है क्या, हाँ इंसान का बच्चा है इसका है, अभी तक तो इंसान के, ओ कुत्ता कहां से निकल रहा है, भाई क्या चीज है, अभी तक तो ये बंदा दिख रहा था, बिल्कुल चलता हुआ सामने दिख रहा था भाई, हाँ अभी गाय में बदल गया, और गाय में पीछे दिखिए, क्या इंडिकेशन है ये, अभी यहाँ इस रस्ते पे एकदम एंट्री के टाइम पे एकदम काली गाय खड़ी थी, काली, और यहाँ चिताएं थी, है नहीं, तू एक चीज नोटिस कर, गायों ने हमें रोका, ठीक हाँ। है, हमें बंदा सामने दिखा और बंदा गाय में कन्वर्ट हो गया, गाय बन गई, ये क्या है भाई, है ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं, मैं कि तुम चले जाओ यहां से, मतलब और देख जहां आज हमारे साथ भगवान है, जहां रास्ता बंदा है गाय बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं खड़ी है जाके,
गाय को तो भगवान वाला है मान सकते हैं हम। अरे कुत्ता सामने क्यों चल रहा है, हट क्यों रहा है? सेफ्टी, ये पहले एक छोटा बच्चा लग रहा था ना और वो एक बड़ा आदमी लग रहा था और अब देख गाय और बच्चे में कन्वर्ट हो गया, बछड़े में। क्या सीन है भाई, ये दिल्ली कैंट का क्या सीन है? इसके टच तो नहीं हो रहा है, कुत्ता भी बैठा है। देख यही रुक गई, इससे आगे नहीं जा रही वो। हाँ। एक गाय बैठी इस साइड की, लेकिन ये गाय उससे आगे नहीं जा रही। देख ये देख, गाड़ी के टच भी होगी ना तो पीछे हट रही है, पीछे चलेगी, पीछे हट रही है भाई, मतलब इससे आगे नहीं जा रही। और ये आगे से वो दिल्ली कैंट का मेन रास्ता है। अब बता, हम तो यहाँ पे उस रास्ते की, उस जगह पे उस लड़के की खोज करने आए थे, लेकिन मतलब हमें बचा रही है वो चीज है। क्या कहता है ये रास्ता कैसे जा रहा है? इंडिकेशन सही है कि गलत है कि हम गाय ने हमें रोका, गाय हमें आगे दिखी पहले आदमी और उसने उधर जाने से मना कर दिया हमें, भाई इंडिकेशन सही है पता है, हमें वहां तक छोड़ के वो गाय वापस वहीं से पलट गई। हाँ कि भाई तुम बाहर जाओ, सेफ जाओ तुम, और ये वही रास्ता आ गया। देख बाहर मेन रोड नजर आ रही है। हाँ। मतलब हमें बाहर तक ले गया ये हो गए। हाँ। तो अभी क्या करें, अंदर रोड जाएं कि रहने दें? वही तो देखना है भाई। क्या कह रहा तेरा मन, दिल्ली कैंट वाली रोड पे चले? उसी जगह चलते हैं जहाँ पे हमने वो जंगल के अंदर गए थे। जंगल के अंदर चलना है? जंगल के अंदर चलते हैं, देखते हैं एक बार क्या सीन है वहाँ। हैं? फिर यहाँ से घूमेगी नहीं गाड़ी, आगे से घुमानी पड़ेगी मुझे। भाई जा रहे हैं वापस दिल्ली कैंट की सबसे खतरनाक वाली जगह पे। और आज मैं कहता हूँ भाई, कितना भी लंबा वीडियो बन जाए बनाते हैं। चल आज जंगल में चलना है? चल हैं? चल चलते हैं। सही बता। क्योंकि देख यहाँ से हम निकल के आए हैं अभी, वो तो गायरो अभी तो वहीं खड़े हैं भाई, हैं? सेफ्टी से हमें लेके आए हैं बाहर तक, लेकिन पता नहीं हमारे क्या चूल्हे, हम फिर से जा रहे हैं। और हमें वो लड़के वाली जगह नहीं मिली, तो नहीं मिली यार। भाई मिल गई थी वो, वो वही थी मैं तेरे को बता रहा था ना पहले, वो वही जगह थी, उस जगह पे लड़का था। उस हाँ उस जगह पे लड़का था और जो चिताएं थी वहां पे घास उगी हुई थी अभी, क्योंकि बारिश हुई है अभी, वो चिताएं ढक चुकी हैं। ओ भाई मैंने देखो क्या आ गया ये सामने, लेकिन यार कुछ भी है दिल्ली कैंट की है ना एक वाइब अलग ही है, है? कितनी लाइटें जली हुई है यहाँ पे, प्रॉपर तरीके से सब कुछ वेल सेटल्ड मैनेज्ड, लेकिन एक वाइब है ना, वाइब वो अलग ही है भाई। तो भाई अब हम जा रहे हैं जो मेन रोड है दिल्ली कैंट की, इधर किसका रास्ता है भाई? आ गए हम दिल्ली कैंट पे, मोस्ट हॉन्टेड रोड ऑफ इंडिया दिल्ली कैंट। देखो भाई हम तो है ना, ये देख फॉक्स, ये लोमड़ी है, लोमड़ी है देखो, कितनी बड़ी साइज की लोमड़ी है भाई, ये देखो भाई लोमड़ी, लोमड़ी टॉर्च कहाँ गई? मार गई अंदर में। अब देखो भाई ये जंगल है, इस जंगल के अंदर ये सारे जानवर हैं, और इस जंगल में हम गाड़ी लेके गए थे सबसे पहली बार, याद है तेरे को? है इस जंगल में, अब बैरिकेडिंग हो चुकी है, लेकिन इसी जंगल में हम गाड़ी अंदर तक, मेरे ख्याल से शायद यही था वो रास्ता, यही रास्ता था हैं, जहां से वो लोमड़ी गई है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है यही रास्ता था, क्योंकि हम इतना आगे आए भी नहीं थे उस टाइम। भाई कितने साल हो गए होंगे, तीन चार साल ही हुए, 3-4 साल बाद हम दोबारा आए हैं यहाँ पे, और दिनेश यही से अंदर से भागता हुआ आया था, उसने मुझे बोला सौरभ भाग, ये पेड़ था शायद यार, ऐसी कोई जगह है? अरे भाई दो पेड़ों के बीच में था ये, थी ऐसी किसी के पास था तो उन्हें सड़ गाड़ी लगा रखी थी। ये देख ब्लिंक कर रही लाइट, यहाँ पे लाइट ने ब्लिंक करा अभी,
ये थी भाई, ये देखो एक ये पेड़ और एक वो पेड़, इनके बीच में रास्ता था। यहाँ पे आते के साथ ये देख क्या कैसे गूज़बम्प्स खड़े हो गए, ये देख ये दो भाई दोनों हाथ के, देख ओ भाई ये देख ब्लिंक कर रही, लाइट ब्लिंक कर रही है, देख बार 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 ये देख उतरे बार रोंगटे देख भाई, अब तो उतरना पड़ेगा, रुक चल बाहर उतरते हैं, यहीं से घुसे थे हम। हाँ। और लाइट ब्लिंक हो रही है भाई, आजा बाहर देखते हैं भाई आज दोबारा से, देखते हैं भाई आज कहाँ गया, गाड़ी क्यों निकल रही, निकल रही ये बज क्यों रही, अच्छा लाइट ऑन, ठीक है ठीक, अब ये बज रही है, लाइट तो ऑफ कर दी मैंने, ये लाइट ब्लिंक कर रही है भाई, पीछे कुछ आ रहा है। वेलकम टू हनुदी गड्डी। गाड़ी ऑफ होने के बाद कैसे चल रही है, क्या गाड़ी ऑफ होने के बाद कैसे चल रहा है सब कुछ, चाबी तो मेरी पॉकेट में है, इग्निशन पोजीशन सब कुछ बंद, पीछे कुछ आ रहा है भाई, इधर कोई आ रहा है, अभी मैंने आते हुए देखा, बाहर आ बाहर आ दिनेश, बाहर आ जल्दी, गाने कैसे बज पड़े भाई, यही तो दिल्ली कैंट है, रुक 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 बंद कर दिया मैंने, तीन चार बारी प्रेस कराया तब बंद हुआ है, वरना ऐसा होता नहीं है कभी, वही तो वो देख वो देख वो देख सामने क्या है, वो देख मूव कर रहा है गायब, हमें भी दिखा यहाँ पे सामने कोई आ रहा था और इधर की तरफ चला गया गायब। हाँ। और अभी लाइट ब्लिंक नहीं कर रही भाई, वो चांद ये कहते ही ब्लिंक करी है, वो चांद नजर आ रहा है जंगल के बीच में से, और इसी जगह से हमने गाड़ी अपने अंदर घुसाई थी, ये फिर ब्लिंक करी गाड़ी, तो गाड़ी तो हमने आगे से अंदर घुसाई थी, यहाँ से पैदल गए थे, नहीं 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 गाड़ी भी यहीं से अंदर गई, यहीं से घुसाई थी, तूने बोला कि मैं पैदल जाके देखता हूँ, गाड़ी निकालने के बाद गए, हाँ गाड़ी निकाल के बाहर आए थे, तूने बोला कि मैं अंदर जाता हूँ मैं देखता हूँ, मैंने कहा भाई रिस्क मत ले, और अंदर से एक आवाज़ आई थी याद कर, जब वो अजीब सी चीज मेरे मुख के सामने आई थी, तूने बोला भाई कुछ है भाग यहाँ से, बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी, और एकदम से चिल्लाने की आवाज आई थी, और अंदर से देख भौंकने की आवाज आ रही है जंगल के अंदर से, वही जगह और उसी जगह आगे देख लाइट फिर से, फिर ब्लिंक कर रही है ना। हाँ। अब बताओ भाई ये क्या है, ये देख अभी ब्लिंक कर रही है, एक बार तेरे पे फोकस कर रहा हूँ, ये देख ब्लिंक कर रही है ना, ये देख ये देख, मतलब तू जैसे जैसे उसके पास जा रहा है वैसे ब्लिंक कर रही है ज्यादा, चलो वो देखो 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 अभी वहाँ पे देखा, हाँ मुझे भी दिखा, लेकिन पता है मैं जैसे ही जूम कर रहा हूँ ना वो चीज़ गायब हो रही है, मतलब जैसे ही उस पर फोकस कर रहे हैं वो चीज़ गायब हो रही है, अब यहाँ पे वो टॉर्च निकाल के लाए, देखते हैं चल जंगल में देखते हैं, देखो भाई इस जंगल के अंदर हम गए थे गाड़ी लेके, लेकिन आज कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा, चलना है क्या अंदर, चले एक काम करते हैं, आगे से है ना रास्ता है, ये देख ब्लिंक कर रही है लाइट, वही जगह है सब कुछ वही है, एक मिनट इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ ना, देख अब नहीं कर रही भी अंदर से आवाज, ये अब कर रही है, एक बार इसको कैप्चर कर लेता हूँ, लोग विश्वास नहीं करते यार बातों पे, वो कहते हैं भाई तुम्हारा बनाया हुआ है, तुमने क्रिएट करा है, पर ये तो हमने क्रिएट नहीं करा होगा, अगर ये लाइट ब्लिंक कर रही है तो वो भी कर रही होती है, सेम वायरिंग है तो ये क्यों कर रही है, और इसी रास्ते के सामने जहाँ पे हमारे साथ में एक्टिविटी हुई थी याद है तेरे को, और हम अभी उसी के पास से आए हैं, छोले वाले के पास से, एक बार इस रोड पर पूरी आगे तक जाएं गाड़ी लेके देखना है, समझ सा तो नहीं आ रहा यार, ये देख ब्लिंक कर रही है, इसमें वीडियो में कैप्चर हो रही है, हो रही होगी ये तो हो रही होगी यार आराम से, चल एक काम करते चलते आज देखते हैं, आगे बैठ कैमरा ऑन रखियो, बंद मत करियो कैमरा ऑन है, अरे यार लेकिन गाड़ी की एक चीज़ नहीं समझ में आई,
एक बार बटन दबाते गाड़ी ऑफ हो जाता है, इग्निशन ऑफ हो जाता है। मैंने दो तीन बारी करा उसके बाद भी देखो ऑफ नहीं हुई थी, ऑन हो गया ना। दरवाजा खुलने, अबे अभी तो दरवाजा बंद करा, फिर दरवाजा खुलने का साइन कैसे आ रहा है ये? तीन साइड है हाँ, अभी अभी तो इसको वो करा। ये क्या कर भाई, ये क्या सीन है भाई? बंद कर अच्छे से, ये वाइपर क्यों चलने लगे अपने आप? ये क्यों चलने लगे अपने आप यार? ये क्या सीन हो रहा है अजीब सा, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये वे? ये तेरा साइन आ गया अब। हाँ रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इसको बंद कर रहे थे, बंद कर रहे थे, मुझे बंद कर रहे थे ये भाई। गाने चल पड़े यार अपने आप, क्या हो रहा है भाई ये? भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या सीन हो रहा है? ओबे पीछे वाला, पीछे का कैसे खुल सकता है? शिट, पीछे का दरवाजा खुल गया, पीछे का दरवाजा खुल गया भाई। गाड़ी वहां तक तो गए भी नहीं हमें अभी, आगे पूरा पूरी गाड़ी लॉक होने वाली है। ये तूने शॉट कैप्चर किया है यहां का डोर जो शायद यहां होगा, लेकिन पीछे का दरवाजा खुला हुआ दिखा है। और गाड़ी चल क्यों नहीं रही आगे, चल क्यों नहीं भाई? यार सौरभ फिर से उसी जगह पे आके वही सब चीज हो रही है। अरे भाई ये तो मेन लोकेशन है यहाँ की, और वो लाइट देख कैसे कर रही है देख। इसको जूम कर, जूम कर। वो आगे वाली लाइट जली हुई, ये वाली। अब ये लोग पता है क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं भाई हो सकता है कोई दिक्कत हो। दिक्कत कैसे होगी भाई, तेरे को याद है गाड़ी आगे नहीं जा रही भाई? ओ भाई देख पूरी रेस दे दी मैंने, देख गियर दिखा, ये देख पूरा क्लच छोड़ दिया मैंने। मतलब जैसे गाड़ी नॉर्मली चलती है। इस पे नहीं आ रहा ये। वो आगे क्या है, सामने क्या है? ये चल गई भाई, ये अपने आप चल रही है देख। पैर ऊपर है मेरा, लाइट ऑन कर इसकी, लाइट ऑन कर। ये देख ये मैंने हटा दिया देख, ये देख गाड़ी अपने आप मूव कर रही है भाई। यार ये क्या सीन हो रहा है? ये लाइट ऑफ कर, अब कर इधर का लाइट कर, ऑन कर ऑन कर। ये देख इधर दे। ये देखो गाइस, गाड़ी अपने आप मूव कर रही है, ये देखो। शिट। और ये पता है लेफ्ट साइड मूव कर रही है देख, ये देखो पैर मेरा ऊपर है, पैर ऊपर है भाई, अपने आप लेफ्ट साइड जा रही है गाड़ी। सूरज गलत हो रहा है, है? मैं पैर रोक रहा हूँ इसको गाड़ी को, ठीक है? कैमरा पकड़ फटाफट। लेकिन वो रास्ता मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा इधर? तेरे को याद है लास्ट टाइम जब अपने साथ वो सीन हुआ था? पहले चल रही थी, फिर अपने आप चल पड़ी, और अब मैं चला रहा हूँ तो कंट्रोल में मेरे पूरे। मतलब इतने एरिया में जो बीच में था, ये है ना वो जंगल का रास्ता भाई। लेकिन सही बताऊं, सही लग रहा मुझे। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये वही जगह है जिस पे दो बारी मुझे लेफ्ट साइड पे कुछ दिखा था। हाँ मत जा। अभी ना यहाँ का रास्ता सिर्फ यही बचा है, एक ही रास्ता है, नहीं रास्ता। और इस पे अंदर जाएंगे तो आगे कोई होगा, क्या करना पता। चलते अंदर देखते हैं। ये तो बहुत पीछे है, ये क्यों कर रहा है भाई? इतनी दूर से बज रहा है सेंसर इसका। भाई सही नहीं लग रहा। ये
देखें सामने, ये देख, ये देख कुछ खड़ा है सफेद, ये देख सामने कुछ खड़े है सफेद, दिख रहा है? हाँ। जूम कर, जूम कर इसको, जूम कर मुझे देख। ये देखो भाई, ये कुछ खड़ा है सामने अंदर। चल ये तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है उसका हो जो पीछे है, लेकिन इतनी पहले तो नहीं बोलता भाई। क्या करें भाई दिनेश, गाड़ी अपने आप मूव कर रही है, ऐसा कैसे हुआ भाई? देखना अंदर, गाड़ी घूमेगी नहीं अंदर, घूमने की जगह अंदर फिर लेके जाओ, घुमाने की जगह या तो बैग लेके जानी पड़ेगी हमें, लेकिन अब गाड़ी अगर माल फंक्शन कर रही है ना तो गड़बड़ है भाई। और आज अंदर ना बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है, पिछली बारी जब वो था थार बंद हो गई थी और अभी ये दिक्कत हो रही है। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो सर? क्या हो गया? पानी पी ले, गला घोट रहा है भाई कोई। पानी 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 ले, साइड पे लगा गाड़ी को, गाड़ी साइड पे लगा। सौरभ, सौरभ क्या हो गया? क्या हो गया? बाहर निकल, जल्दी बाहर निकल, बाहर निकल, पानी ले। सौरभ, सौरभ क्या हो गया भाई? एकदम से ना सब भूल गया भाई, सब ठीक भाई। भाई उसके पास यार उस जगह पे कुछ ना कुछ तो है, इस पूरे जगह में कुछ कुछ है। गला दबा रहा था भाई, पानी लाया मैं, पानी कहाँ रखा है? पानी पता नहीं भाई, थोड़ी यार निकलते हैं यहाँ से दिनेश, पानी पी यार, पानी पी, निकलते हैं यहाँ से। भाई अभी भी वहीं खड़े हैं हम, दिल्ली कैंट रोड पे, दिख रही होगी आपको शायद ये बैरी, ये क्या बोलते हैं इनको, फेंसिंग से दिख रही होगी, और उसी लाइट के नीचे खड़ा हूँ मैं। समझ नहीं आया भाई क्या हुआ, मतलब जैसे ही हम उस जंगल के रास्ते पे गए ना, एकदम से मेरा किसी ने गला दबाया, जैसे ऐसे चौक कर दिया कि भाई तू नहीं जाएगा यहाँ से, यहाँ से नहीं जाएगा भाई, यहीं रुक, यहीं रुक। मैं सांस लेने के लिए बाहर उतरा और बहुत अजीब सा फील हो रहा है भाई यहाँ पे अभी, लेकिन फिर भी हम खड़े हैं यहाँ पे देखने के लिए कि भाई और भी कुछ होता है या नहीं होता है, लेकिन अभी थोड़ा शांत है और ठीक फील हो रहा है अभी, और गाड़ी में भी पीछे कोई नहीं बैठा है हमारे। दिल्ली कैंट भाई कोई नहीं समझ सकता, और जो लोग कहते हैं ना कि दिल्ली कैंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, दिल्ली कैंट एक रोड है, तो भाई तरीके से आओ, समझ के आओ चीजों को, नॉलेज लेके आओ इन चीजों का, तभी तुम्हारे समझ में आएगी। मैं इसमें पैरानॉर्मल फील्ड में 6-7 साल से काम कर रहा हूं और मैंने इन चीजों को समझा है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था भाई मजाक है सब, ये वो कुछ भी नहीं होता है, ऐसा सामने आ जाओ मेरे तब बताऊंगा मैं, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था शुरू में। लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें डीप अंदर घुसता गया ना, मुझे चीजें समझ में आने लगी कि नहीं भाई ऐसा भी होता है, कैसा भी हो सकता है भाई, आपके आपको पजेस भी कर सकती है, आपके सामने भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वही सब चीजें मेरे साथ जो होती है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे के सामने, और भाई जिस जिसको अच्छा लगता है वो देखो, जिस जिसको अच्छा नहीं लगता मत देखो भाई। मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे सारे वीडियोस देखो, तुम्हें अच्छा लगे तो देखो, तुम्हें अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो मत देखो, और जिस जिसको पसंद आता है भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और मिलता हूँ मैं आप लोगों से ऐसे ही खतरनाक हॉन्टेड लोकेशंस पे। मेरे पास बहुत लोकेशंस हैं जो यूट्यूब पे मेरे ख्याल से किसी के पास भी नहीं होगी, तो मिलता हूँ भाई आप लोगों से ऐसी ही खतरनाक लोकेशंस पे, दोबारा आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा मैं नया। टाटा बाय बाय।